हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे फेस केयर रूटीन का डे 9 है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना चेहरा पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद मुझे जो फेस वॉश प्रोवाइड किया गया है क्योर स्किन की तरफ से, उससे मैं अपना चेहरा वॉश करूंगी। और हमें अपना चेहरा बिल्कुल हल्के हाथों से वॉश करना है, रगड़ रगड़ के घिसना नहीं है। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सारे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरे फेस पे कोई फर्क दिख रहा है मुझे या नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मैं बात करती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। इस प्रोडक्ट को यूज किए हुए मुझे आज 9वां दिन है और मैं सुबह अपना फेस वॉश कर रही हूँ। पहले दिन से 7वें दिन तक मैंने आपको बताया कि मुझे हल्का सा फर्क दिख रहा है, लेकिन अगेन मेरे फेस पे जो थोड़ा सा रेडनेस था, जो पिंपल्स मैंने पहले फोड़ के रखे थे, मेरे को बहुत गंदी आदत थी लेकिन अब नहीं है, तो उसकी वजह से मेरे को जो स्कार्स आ गए हैं नोज के साइड में और चिन साइड एरिया पे, तो वो उसको जाने में देर लग रही है। एंड ऑब्वियसली उसको जाने में देर लगेगी, बट जैसे कि आपको पता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा होती है हर प्रोडक्ट से, सो नो वरीज, इट्स ओके। एंड फेस वॉश के बाद मैं यहाँ पे अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ, जो कि मुझे हर रोज सुबह लगाना होता है। और अगर हम धूप में जाते हैं घूमने तो हर 3 से 4 घंटे में एक बार लगाना होता है, जो हमारी स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। सो यस, इट्स नेसेसरी। और ये सारे चीज के साथ साथ हमें ये ख्याल भी रखना है कि हमें दिन में पानी 2 से 3 लीटर पीना है। अगर बाहर जाते हैं तो अपने चेहरे को कवर करके जाना है। खाने में हमें ऑयली फूड या तो जंक फूड नहीं खाना है। ये कुछ बातें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मेरा डे का जो रूटीन था वो खत्म हो चुका है। रात को मैं अगेन अपना फेस वॉश कर रही हूँ सोने से पहले। और दूसरी एक और बात मैं ये आपको बताना चाहती थी कि वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स के रिव्यू के, लेकिन मैं आपको लाइव दिखाना चाहती थी कि मुझे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। पहले कुछ 1 से 7 दिन तक में मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उससे मुझे थोड़ा बहुत फर्क दिखा है, और अभी और कुछ टाइम बाकी है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मतलब प्रोडक्ट में इतना हमें अंदर दिया गया होता है कि हम उसे 3 महीने तक यूज कर सके। फाइनल रिजल्ट तो हमें पता नहीं है कि मेरे पे ये असर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो भी होगा वो आपके सामने होगा। ओके, रात को मैं यहाँ पे अगेन अपना हाइड्रेशन जेल, जो कि एलोवेरा जेल हमें दिया गया होता है, वो मैं लगाती हूँ। वैसे मेरे को लग रहा है कि इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से मुझे हेडेक हो रहा है, आई थिंक सो। लेकिन चलिए देखते हैं धीरे धीरे ये प्रोडक्ट असर करता है या नहीं। फिलहाल के लिए ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू।